हेलो गाइस, हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। मार्केट में अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं और करंटली मार्केट में मोबाइल क्रेडिट कार्ड का फीचर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो मोबाइल क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड जिसका इस्तेमाल आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और यहाँ पर इनका इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो वो कौन कौन से टॉप 3 मोबाइल क्रेडिट कार्ड हैं जिसका इस्तेमाल आप बिना फिजिकल कार्ड के भी कर सकते हैं, बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। हमारे मोबाइल क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में सबसे पहला नाम है वन कार्ड का। वन कार्ड ने टाइप किया है SBM बैंक के साथ और ये प्रोवाइड करता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड। अगर आप मल्टीपल बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है किसी रीजन की वजह से, आपके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप वन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वन कार्ड के साथ 5000 की FD करवानी पड़ेगी और इस FD के अगेंस्ट में आपको पूरे 5000 की लिमिट मिलेगी। मतलब आपने जितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है उसका 100% आपको क्रेडिट कार्ड में लिमिट मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड के 2 सबसे खास फीचर है। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप किसी बैंक में जाएंगे तो आपको कम से कम 1 लाख रुपीज के आसपास का डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और इस 1 लाख के डिपॉजिट में आपको कुछ बैंक ऐसी हैं जो 80% की लिमिट देगी, कुछ बैंक ऐसी हैं जो आपको 75% की लिमिट देगी और मार्केट में रेयर केसेस में कोई ऐसा बैंक मिलेगा जो आपको 90 या 100% की लिमिट दे। 100% की लिमिट तो कोई भी नहीं देता है वन कार्ड के अलावा। और वन कार्ड के वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग करनी हो या किसी और वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना हो। इसके अलावा अगर आप वन कार्ड को अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम में ऐड करते हैं तो इस वन कार्ड का इस्तेमाल करके आप मोबाइल के बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भर सकते हैं, वाटर बिल भर सकते हैं और बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अगर आप वन कार्ड के साथ 50,000 की FD करवाते हो तो वन कार्ड का मेटल कार्ड आपको मिलता है जो कि लाइफ टाइम फ्री है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से फी देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और चीज ये है कि अगर आप वन कार्ड की स्पेंडिंग को EMIs में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर 24 मंथ्स की EMI का ऑप्शन मिलता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वन कार्ड की डिटेल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और वन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप वन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्रेडिट कार्ड के बारे में। और सेकंड नंबर पर क्रेडिट कार्ड जो आता है वो है UNIONEXT क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड यूनी ने हाल ही में लॉन्च किया है जिसके ऊपर बहुत सारे फीचर मिलते हैं। यहाँ पर भी वन कार्ड की तरह फीचर सेम है, आपको FD करवानी पड़ेगी और FD के अगेंस्ट में आपको लिमिट मिलेगी। अगर आपको यूनी कार्ड के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूनी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बिल जनरेट हुआ है उसको आप 3 पार्ट में पे कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने 30,000 की शॉपिंग की है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप 30,000 की पेमेंट को 3 बार में दे सकते हैं, मतलब 3 मंथ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और किसी तरीके की प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी जनरेट होगा और सिविल स्कोर भी इंप्रूव होगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज की वीडियो का सबसे आखिरी कार्ड है कोटक महिंद्रा का 811 अकाउंट का क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा का 811 अकाउंट है तो इस 811 अकाउंट के ऊपर भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। मार्केट में ऐसी बहुत सारी बैंक है जो कहती है कि अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेना है तो यहाँ पर आपको हाई अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इनके कहने का मतलब है कि आपके अकाउंट में 10,000 से ज्यादा होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में 0 बैलेंस वाला अकाउंट है, 811 अकाउंट है, तो यहाँ पर भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये कार्ड आपको मोबाइल में भी मिलता है, यानी कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी होता है और आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां पर कुछ कार्ड ऐसे होंगे जिनके ऊपर एनुअल फीस नहीं होगी और जिनके ऊपर आपको ज्वाइनिंग फी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा के इन कार्ड्स पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि लॉन्च एक्सेस का फीचर है, फ्यूल सरचार्ज पर वेवियर मिलता है और इसी के साथ साथ कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 811 अकाउंट है तो आपको भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है और सबसे ज्यादा आप किस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।